विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक घुमक्कड़ और लड़ाकू कबीले थे। ये घुमक्कड़ और लड़ाकू कबीले इतने खतरनाक होते थे कि जिस राज्य से गुजरते थे उसे तहस नहस कर देते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक घुमक्कड़ और लड़ाकू कबीला हुआ करते थे, जैसे नोमेड, वाइकिंग, नॉर्मन, गोथ, कजाक, शक और हूण आदि। ये घुमक्कड़ लड़ाकू कबीले इतने खतरनाक होते थे कि ये जिस राज्य से गुजरते थे उसे तहस नहस और बर्बाद करके रख देते थे। बात करते हैं इन्हीं में से एक खतरनाक कबीला हूणों के बारे में। दोस्तों, हूण मध्य एशिया में चीन के नज़दीक रहने वाले एक जंगली और बर्बर जनजाति के थे। कुछ कारणों से ये जनजाति दो भागों में बट गई। इनका एक हिस्सा वोल्गा नदी की तरफ गया और दूसरा फारस की तरफ। दोस्तों, उन्होंने फारस पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस करके रख दिया। उसके बाद वे अफगानिस्तान की तरफ बढ़े और ईरान पर आक्रमण करके गंधार पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वे भारत में घुसे। भारत में उन्होंने शक और कुषाण राज्यों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, 458 ईस्वी में उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त वंश में कुमारगुप्त राजा था। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, जिससे निराश होकर वे वापस ईरान की तरफ चले गए और ईरान को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा उसने हूणों को भारत में जमने नहीं दिया। लेकिन 30 वर्ष बाद हूणों ने अपने नायक तोरमान और उसके पुत्र निहिरगुल के नेतृत्व में एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो हूणों को रोक सके। दोस्तों, 6 सदी के शुरू में हूणों ने गुप्त वंश को भारत से उखाड़ फेंका और भारत के उत्तर पश्चिम में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पंजाब के सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हूण एक बर्बर जनजाति के थे और जिस राज्य से गुजरते थे उसे तहस नहस कर देते थे, ठीक वैसा ही प्रभाव उन्होंने भारत पर भी छोड़ा। हूणों का शासन बहुत ही निशंक और बर्बर था। दोस्तों, हूणों की बर्बरता से पता चलती है कि उन्होंने कई प्राचीन इमारतें, मठ और मंदिरों को नष्ट कर दिया, कई ग्रंथों को भी जला दिया जिसमें कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती थी। दोस्तों, हूणों ने कई विद्वानों और कलाकारों की भी हत्या कर दी थी। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर दिया। गुप्त वंश के अंत के बाद भारत की राजनीतिक एकता भी नष्ट हो गई और पूरा साम्राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया। दोस्तों, इन्होंने तक्षशिला, मथुरा में भी बहुत ही जमकर लूटपाट और हत्याएं की। कई जैन बौद्ध स्तूपों को भी नुकसान पहुंचाया, कई सांस्कृतिक किताबें जला दी और भारत की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन हूणों के बढ़ते आतंक को देखते हुए मालवा के राजा यशोवर्मन और वलादित्य ने मिलकर हूणों पर आक्रमण किया और 528 ईस्वी में उनको पराजित कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद हूणों का अत्याचार भारत से खत्म हो गया। दोस्तों, वैसे हूण पराजित होकर वापस मध्य एशिया नहीं गए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके यहीं भारत में बसने का फैसला किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।